दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी राशि के बारे में बताने वाले हैं जिसका साथ अगर आपको प्राप्त हो जाए, जिसका हाथ अगर आप थाम ले, तो यकीन मानिए कि उम्र भर यानी जीवन भर ये राशि आपका भरपूर साथ देगी। हर सुख में हर दुख में ये आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तो ऐसे में तुला राशि के लोगों के लिए ये राशि सबसे लाभदायक है, सबसे ज़्यादा लकी राशि है। इसलिए अगर आपको भी इस राशि का साथ पाना है तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि इस राशि के साथ से आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाएगा, आप मालामाल हो सकेंगे और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए अब विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये कौन सी राशि है जो आपके लिए किस्मत वाली राशि कही जाती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको एक ऐसी राशि के बारे में बताएंगे जो आपके लिए लकी होती है, जिसका साथ आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। इनके साथ से आपकी किस्मत चमक सकती है। तो देखिए, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन की हर घड़ी तय होती है, यानी मनुष्य के जीवन में कब क्या घटना घटी है, कब कौन सी चीज़ उन्हें करनी है, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आना है, क्या उतार चढ़ाव आने हैं। तो देखिए, सभी चीज़ें हमारे शास्त्रों के अनुसार चलती है, ग्रहों के अनुसार चलती है। तो देखिए, ऐसे में हमारे शास्त्रों में कई सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं कि कब किस व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस राशि के लिए कौन सी राशि सबसे सर्वोत्तम रहती है, भाग्यशाली रहती है। तो देखिए, ऐसे में आपको बता दें कि तुला राशि वाले जातक पिछले कई समय से बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत चिंतित चल रहे हैं, यानी इनके जीवन में दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई मुसीबत इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में कई सारे जातक इतने परेशान हैं जो बोलते हैं कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं या जब भी कोई शुभ बदलाव करने जाते हैं तो हमारे जीवन में उस बदलाव के बजाय नई मुसीबत गले पड़ जाती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि हमारा भाग्य बहुत ख़राब चल रहा है, हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, क्योंकि जब भी किसी नए व्यापार को हम शुरू करते हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है, हमारी नौकरी नहीं लग पाती, पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पा रही। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो जिस क्षेत्र में भी हम अपना कदम बढ़ाते हैं वहाँ से हमें केवल दुख, संकट, मुसीबतें और असफलता ही प्राप्त होती जा रही है। तो देखिए, ऐसे मैं आपको बता दें कि किस जीवन साथी का साथ आपको थामना है, किसका हाथ आपको थामना है चाहिए या किस मित्र का साथ पाना चाहिए जिससे वो आपको सही राह दिखा सके और आपके जीवन में सफल बना सके। तो देखिए, ऐसे में आपको बता दें कि शास्त्रों में एक ऐसी राशि तुला राशि के लिए दर्शाई गई है जिसका साथ अगर आपको प्राप्त हो जाए तो दोस्तों, आपके जीवन में दुख तो दूर होंगे ही, साथ ही आपके जीवन में खुशियों की बहार आने लगेगी। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार यदि बात की जाए तो दोस्तों, तुला राशि के लिए जो एक राशि सबसे शुभ मानी जाती है वो है मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वाले जातक, चाहे फिर वो कोई व्यक्ति हो, पुरुष हो या महिला, इन राशि वाले जातकों का साथ अगर तुला राशि को मिल जाए तो कहा जाता है कि तुला राशि के भाग्य का सितारा चमक सकता है। यानी कि तुला राशि के जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, वो दूर हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में एक मीन राशि ही ऐसी राशि दर्शाई गई है जो तुला राशि के लिए सबसे शुभ है और लकी मानी जाती है। इसीलिए ऐसे में आपको बता दें कि राशियों का एक होना ये नहीं बताता कि आप उनसे शादी करें, विवाह करें या उम्र भर के लिए उन्हें अपना जीवन साथी बनाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाथ थामने का अर्थ केवल इतना ही है कि अगर आप एक तुला राशि के जातक हैं और आप अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, तब मीन राशि का कोई भी एक जातक आपकी किस्मत को बदल सकता है। यानी मीन राशि का व्यक्ति आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, फिर चाहे वो कोई पुरुष हो या महिला हो, कोई मायने नहीं रखता, बस अगर आप चाहें तो ऐसे में जीवन साथी के रूप में आप उन्हें अपना सकते हैं। लेकिन अगर मीन राशि का साथ आपको एक मित्र के रूप में या एक गुरु के रूप में मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया है दोस्तों।
तो ध्यान रखें कि ऐसे लोगों का साथ आपको थाम लेना है। और देखिए, अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपके घर में या आपके घर के आसपास मीन राशि का है और भरोसे लायक है, यानी वो व्यक्ति अगर सच में आपका भला चाहता हो, तो दोस्तों आप उनसे अपने दुख की बात कर सकते हैं, उनको अपना साथी बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ये राशि केवल जीवन साथी चुनने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप इनका साथ दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में या गुरु के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि मीन राशि का जातक आपको ऐसी सलाह देगा, आपकी ऐसी सहायता करेगा कि आपके जीवन में जितने भी दुख चल रहे हैं, जितने भी संकट हैं, वो सभी इसकी सहायता से धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ही आप सहायता लें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब तुला राशि किसी की मदद पाना चाहती है, तो इनके भोलेपन के चलते, इनकी मासूमियत के चलते, इन लोगों को हर कदम पर मदद के नाम पर केवल धोखा मिलते जाता है। और ऐसे में तुला राशि के जातक ज़्यादातर अपने जीवन में धोखे और दुख से ही परेशान होते हैं। तो देखिए, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अगर किसी अनजान व्यक्ति पर एकदम से भरोसा आपको नहीं करना है, फिर चाहे वो मीन राशि का ही व्यक्ति क्यों ना हो, इससे अच्छा है कि फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति पर ही भरोसा करें जो किसी भी राशि का हो, लेकिन वो आपका सगा हो, आपका साथी हो, भरोसे के लायक हो, यानी वो आपके हर सुख और दुख में खड़ा हुआ दिखाई दे। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में है या रिश्तेदारों में है, तो आपको किसी भी हाल में उनका साथ नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे या उनकी मदद लेंगे, तो आपकी समस्या का हल यूं ही हो जाएगा। परंतु अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप दुखी हैं, जीवन में खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो देखिए, ऐसे में फिर आपको मीन राशि के सच्चे साथी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर आप मीन राशि के व्यक्ति से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, अपनी समस्या का जिक्र उनसे करेंगे, तो यकीन मानिए कि ये मीन राशि ही ऐसी राशि है जिसके समस्त कार्य आपके साथ पूरे हो सकते हैं। यानी मीन राशि वाले जातक अगर आपके साथ जुड़ेंगे, तो साथ में उनके भी काम पूरे होंगे और आपके भी काम पूरे होंगे, और आपकी किस्मत, आपकी समस्त परेशानियों का हल मीन राशि की सहायता से हो सकता है। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानी जाती है। अगर आपको कहीं भी इस राशि के लोग दिखाई दें, तो आप उनसे अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करें। ये जीवन भर आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, इसलिए आप आज ही इनका साथ पकड़ लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमने आपको ऐसी राशि के बारे में बताया जो आपके लिए लकी होती है, जिसका साथ आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, इनके साथ से आपकी किस्मत चमक सकती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन की हर घड़ी तय होती है, यानी मनुष्य के जीवन में कब क्या घटना घटनी है, कब कौन सी चीज़ उन्हें करनी है, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आना है, क्या उतार चढ़ाव आने हैं, तो देखिए, ये सभी चीज़ें हमारे शास्त्रों के अनुसार चलती है, ग्रहों के अनुसार चलती है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो देखिए, ऐसे में शास्त्र में कई सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं कि कब किस व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस राशि के लिए कौन सी राशि सबसे सर्वोत्तम रहती है, भाग्यशाली रहती है। तो देखिए, इन सभी के बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।